और घुसपैठियों का अंदर करने के 2000 रुपए पर घुसपैठियां लेते हैं। आप गूगल करना बीएसएफ कमांडेंट काउ स्मगलिंग 20 करोड़, आपको बाद में एक रिपोर्ट मिलेगी। अभी कुछ दिन पहले ईडी ने छापा मारा, एक बीएसएफ कमांडेंट के पास से 20 करोड़ रुपए मिला और करप्शन खत्म हो जाएगा। वो बीएसएफ वाला कमांडेंट अभी 20 करोड़ हजम कर सकता है, फ्लैट खरीद के, फार्म हाउस खरीद के, आईफोन खरीद के, मर्सिडीज खरीद के। लेकिन जैसे ही हो गया कि 5000 रुपए से ऊपर कैश ट्रांजेक्शन हो ही नहीं सकता, तो वो बीएसएफ का कमांडेंट 20 करोड़ लेकर क्या करेगा, कहीं भी खर्च करना जाएगा। आजकल तो शर्ट भी 8000 की आती है, अगर वो महंगी शर्ट खरीदेगा तो भी पकड़ में आ जाएगा। इसलिए कह रहा हूं रिवर्स इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। नैतिकता सिखा सिखा के करप्शन खत्म नहीं हो सकता। जनधन भी आ गया, आंकड़े बताते हैं कि 80% लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं भारत में, और जो 20% खर्च करते हैं उनके पास एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड पहले से ही है। फिर 100 रुपए से बड़ी नोट की जरूरत है क्या? जोर से बोलिए। 30 करोड़ परिवार है, 130 करोड़ आधार है, यानी हर परिवार में आधार है, तो प्रॉपर्टी को आधार से लिंक किया जा सकता है कि नहीं किया सकता? जब पर डे 100 रुपए से कम, 80 करोड़ लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है रोज आईफोन तो खरीदेंगे नहीं। हो इसका मतलब वो बेसिक फोन यूज करते हैं, सस्ता कपड़ा खरीदते हैं, कपड़ा भी खरीदेंगे तो 1500 वाला कपड़ा खरीदेंगे, वो 4000 वाली शर्ट तो खरीदेंगे नहीं जब पर डे 100 रुपए से कम खर्च करने वाले लोग हैं। तो अगर 100 रुपए से बड़ी नोट को बंद कर दिया जाए और एवरेज मान लिया कि 5000 रुपए, जिस सामान की एमआरपी 5000 है, जिस सर्विस की 5000 कास्ट है, यानी एयर खरीदा, टिकट खरीदा, रेलवे का एसी का टिकट खरीदा, या बिजली का बिल है, जो भी है जो 5000 से नीचे है, वहां तक कैश लेन देन अलाउ है। लेकिन अगर 5000 क्रॉस कर गया फिर आपका कैश लेन देन नहीं हो सकता। स्वाभाविक सी बात है गरीबों को तो मुफ्त में बिजली मिलती है, उनका बिजली तो बिल वैसे भी आएगा भी तो 5000 से कम ही आएगा। तो यानी गरीब आदमी, दलित आदमी कैश यूज करता रहेगा, लेकिन बड़े लोग ये कैश यूज नहीं कर पाएंगे और उनको जरूरत भी नहीं एटीएम, पेटीएम भी पहले से ही है। केवल 1% बैंकिंग ट्रांजेक्शन टैक्स लगा दिया जाए, ओनली 1%। ना आपको इनकम टैक्स देना, ना आपको जीएसटी देना, ना आपको टोल टैक्स देना, ना आपको रोड टैक्स देना, ना आपको कुछ भी टैक्स नहीं देना। केवल जब जब आप ट्रांजेक्शन करोगे आपको 1% एक्स्ट्रा देना है। आपको सीए नहीं रखना, आपको अगर फैक्ट्री चला रहे हो तो आपको वहां पे सेल टैक्स डिपार्टमेंट नहीं रखना, आपका टैक्सेशन सिस्टम ही खत्म हो गया। जो सीए है अपना कुछ और काम करेंगे, बेरोजगार थोड़ी हो जाएंगे, कोई और काम करेंगे। अब आप ये बताओ 1% देना यानी 100 रुपए का सामान खरीदा तो 101 दिया, 1000 सामान खरीदा 1010 दिया, 1,00,000 सामान खरीदा तो 1,01,000 दिया। ये आप लोगों के लिए फिजिबल है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। सब खुशी खुशी दे देंगे, मिडिल क्लास खुशी खुशी दे देगा, उसको कोई इनकम टैक्स नहीं देना, बिजनेस क्लास खुशी खुशी दे देगा, उसको हर महीने जीएसटी नहीं भरना, गाड़ी वाले भी आराम खुशी खुशी दे देंगे, उनको टोल टैक्स नहीं देना, न रोड टैक्स देना, न टोल टैक्स देना, न वैट देना, जीएसटी देना, न टीडीएस देना, कुछ भी नहीं देना। केवल जब ट्रांजेक्शन करना तो 1% एक्स्ट्रा देना। मैं गारंटी के साथ कहता हूं सरकार का खजाना भर जाएगा और भारत में वोट और नोट वाली पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। जो सरकारी बाबू आपसे हर बात के लिए पैसा मांगता है वो पैसा मांगना छोड़ देगा। कैसे? ऐसे उसकी तनख्वाह 50,000 रुपए है, अभी चूंकि प्रॉपर्टी आधार से लिंक नहीं है, कैश लेन देन की सीमा तय नहीं है, वो आईफोन खरीदे कैश में या गाड़ी खरीदे कैश में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, आधार लिंक नहीं है, इसलिए वो कितनी प्रॉपर्टी खरीद रहा है कहीं पे कुछ आ नहीं रहा सिस्टम में। आधार मांगा तो जा रहा है, आप लोग कुछ लोग नहीं आधार तो मांगते हैं, मांगते हैं, लेकिन उसका कहीं पे वो नहीं हो रहा है, मॉनिटरिंग नहीं हो रही है कि एक व्यक्ति ये जो नगर निगम का बाबू है ये साल भर में कितनी प्रॉपर्टी खरीद रहा है, इसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही। जब वो पैसा लेके खर्च ही नहीं कर सकता तो पैसा खाएगा नहीं, जब खाएगा नहीं तो पैसा लेगा क्यों? ये पॉलिटिशियन जो बड़ा बड़ा कॉलेज के लिए इतना इतना
जैसे कर्नाटक के पॉलिटिशियन के बारे में बड़ी बात फेमस है, यहां जो विधायक होता है सबसे पहले कॉलेज बनाता है। विधायक बनते ही सबसे पहले इंजीनियरिंग कॉलेज, लॉ कॉलेज या मेडिकल कॉलेज, कुछ ना कुछ एक कॉलेज पहले खोलता है। जब वो हो जाता है फिर एक फार्म हाउस लेता है, और कुछ लोग कहते हैं उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में फार्म हाउस लेता है, भारत के बाद। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में इसलिए लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन 2.5 करोड़ है और ऑस्ट्रेलिया का एरिया भारत का 2.5 गुना ज्यादा है। जस्ट यू इमेजिन कि ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन दिल्ली के बराबर है, ऑस्ट्रेलिया का एरिया भारत का 2.5 गुना ज्यादा है, तो वहां बड़े बड़े 3,000-3,000 एकड़ के 5,000-5,000 एकड़ फार्म हाउस ले लेते हैं। कुछ लोग मुझे वहां से वीडियो कॉल करके दिखाते भी हैं, देखो साहब इनका इनका फार्म हाउस, इनका फार्म हाउस। तो करप्शन 100% खत्म हो जाएगा। पैसा लेगा ही नहीं आदमी, लेगा तो पकड़ा जाएगा। लग्जरी क्लास में गया, पकड़ा गया। एग्जीक्यूटिव बिजनेस क्लास का एयर टिकट खरीदा, फिर पकड़ा गया, क्योंकि वो तो ऑनलाइन कैश में हो ही नहीं सकता, ऑनलाइन है। महंगा फोन खरीदा, फिर उसका रिकॉर्ड में आ गया। कुछ भी काम करेगा, 5,000 रुपए सस्ता काम करेगा उसका काम होगा। जैसे ही 5,000 की लिमिट, 4,999 की लिमिट क्रॉस किया, वो सीधे मॉनिटर में आ गया। और दिल्ली में बैठे बैठे सरकार को पता चला कि कलबुर्गी में क्या खरीदा जा रहा है, मैंगलोर में क्या खरीदा जा रहा है, उडुपी में क्या खरीदा जा रहा है, बैठे बैठे दिल्ली में। ईडी को छापा मारना नहीं है, और फायदा क्या हुआ? जब इनकम टैक्स खत्म हुआ तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खत्म हो गया, करीब 50,000 रुपए इनकी सैलरी पे जाता है, 50,000 करोड़। जीएसटी खत्म हो गया तो जीएसटी डिपार्टमेंट खत्म हो गया, वैट खत्म हुआ तो वैट डिपार्टमेंट खत्म, टीडीएस खत्म हो गया तो बैंक का आधा काम खत्म, टोल टैक्स खत्म हो गया आधा उधर काम खत्म, आरटीओ ऑफिस में आधी समस्या खत्म। करप्शन हमारे भारत की 50% समस्याओं का रूट काज है। 5 लाख लोग पर डे करप्शन के कारण सड़क पे मरते हैं। रोड एक्सीडेंट का मूल कारण करप्शन है। एक्सीडेंट का दो ही रूट काज है, या तो ड्राइवर अनाड़ी है या तो सड़क में गड्ढा है। सड़क में गड्ढे का रूट काज करप्शन है और अनाड़ी होने का रूट काज करप्शन है। अनाड़ी होने का रूट काज करप्शन कैसे है? उसकी ट्रेनिंग हुई नहीं, उसका ट्रायल नहीं हुआ, उसका टेस्ट नहीं हुआ, 5,000 रुपए दलाल को दिया, वो घर बैठे बैठे डीएल लाके दे दिया, रोड एक्सीडेंट खत्म हो जाएगा। करप्शन खत्म हुआ, इनफिल्ट्रेशन खत्म हो जाएगा। मेरी पीआईएल चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, 2017 से चल रही है। अनफॉर्चुनेटली मुझे तीसरा शीतलवाड़ तरीके से फास्ट ट्रैक हमारा काम नहीं हो पा रहा है वहां पे, जिस तरीके से तीसरा शीतलवाड़ को वहां पे जस्टिस मिलता है वैसे मुझे नहीं मिल पा रहा। हाँ, मैंने 2017 में पीआईएल फाइल किया था, उस समय बताया था कि 5 करोड़ घुसपैठी आ चुके हैं। और जब मैं पीआईएल फाइल करता हूं तो मैं थोड़ा ग्राउंड पे जाके समझने की कोशिश करता हूं। उस पीआईएल को फाइल करने के पहले मैं आसाम और बंगाल के बॉर्डर पे गया यह समझने के लिए घुसपैठ हो कैसे रही। वहां जाके पता चला कि बॉर्डर पे ड्यूटी लेने के लिए मंत्रियों की सिफारिश आती है। हमने कहा बॉर्डर पर ड्यूटी दे रही, बॉर्डर की ड्यूटी ऐसे टफ होती है तो ये सिफारिश लगा क्यों आ रहे? तो पता चला जितने घुसपैठिए आते हैं उसे 2,000 रुपए वसूलते हैं, और जितनी गाय जाती है उससे 1,000 रुपए लेते हैं। तो गौ तस्करों से 1,000 रुपए पर गाय लेते हैं, और घुसपैठियों का अंदर करने के 2,000 रुपए पर घुसपैठियां लेते हैं। आप गूगल करना बीएसएफ कमांडेंट काउ स्मगलिंग 20 करोड़, आपको बाद में एक रिपोर्ट मिलेगी। अभी कुछ दिन पहले ईडी ने छापा मारा, एक बीएसएफ कमांडेंट के पास से 20 करोड़ रुपए मिला, और पैसा क्या था? घुसपैठियों को अंदर कराने का और गाय को बाहर ले जाने का। ये करप्शन हमारे कल्चर के लिए, हमारे नेशनलिज्म के लिए, हमारी एकता खंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। 2,000 रुपए देके घुसपैठिया अंदर आता है, कॉमन सर्विस सेंटर पे 2,000 रुपए देता है, आधार बनवा लेता है। जब 2000 में एक डॉक्यूमेंट तैयार हुआ, पटवारी को पकड़ता है, लेखपाल को 2,000 रुपए देता है, गरीबी रेखा से नीचे वाला राशन कार्ड बनवा लेता है। जब 2 डॉक्यूमेंट हुआ, नगर निगम के दलाल को पकड़ता है, 2,000 रुपए देता है, बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेता है। जब 3 डॉक्यूमेंट हुआ, आरटीओ ऑफिस के दलाल को पकड़ता है, 3,000-4,000 रुपए देता है, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेता है। जब 4 डॉक्यूमेंट हुआ, और इधर तब तक इलेक्शन आ गया, तो इलेक्शन के टाइम में ये नगर निगम में जो ये क्या बोलते हैं चुनाव लड़ते हैं या ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ते हैं,
प्रधान पार्षद विधायक जो बनना चाहते हैं वो उनका वोटर आईडी बनवा लेते हैं। जितने कागज घुसपैठियों के पास है उतने कागज भारतीयों के पास नहीं। बहुत सारे घुसपैठियों ने तो बाकायदा पासपोर्ट तक बनवा लिया। करप्शन खत्म हो जाएगा, वो बीएसएफ वाला कमांडेंट अभी 20 करोड़ हजम कर सकता है, फ्लैट खरीद के, फार्म हाउस खरीद के, आईफोन खरीद के, मर्सिडीज खरीद के। लेकिन जैसे ही हो गया कि 5000 रुपए से ऊपर कैश ट्रांजेक्शन हो ही नहीं सकता तो वो बीएसएफ का कमांडेंट 20 करोड़ लेकर क्या करेगा, कहीं भी खर्च करना जाएगा। आजकल तो शर्ट भी 8000 की आती है, अगर वो महंगी शर्ट खरीदेगा तो भी पकड़ में आ जाएगा। इसलिए कह रहा हूं रिवर्स इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। नैतिकता सिखा सिखा के करप्शन खत्म नहीं हो सकता। लोगों को पढ़ा के समझा के धार्मिक शिक्षा दे के अगर नैतिकता शिक्षा के सिखाने से करप्शन खत्म होता तो सबसे ज्यादा महामंडलेश्वर भारत में ही है, सबसे ज्यादा राम कथा करने वाले भारत में ही है, सबसे ज्यादा कृष्ण कथा करने वाले भारत में ही है। राम की धरती भारत है, कृष्ण की धरती भारत है, महावीर की धरती भारत है, जैन महावीर जैन की धरती भारत है, शंकर जी की धरती भारत है, बसवा प्रभु की धरती भारत है, इतने महान लोग, विवेकानंद की धरती भारत है, रामकृष्ण की धरती भारत है। करप्शन कम हुआ क्या? इसका मतलब नैतिकता सिखा करप्शन खत्म नहीं हो सकता। करप्शन खत्म करने के लिए वन नेशन वन एजुकेशन, जिसमें प्राइमरी में ही उसको वेद पुराण गीता रामायण पढ़ाया गया, उससे थोड़ी नैतिकता आई। और फिर वन नेशन वन टैक्स, लेना चाहे तो भी ना ले पाए। समान शिक्षा के द्वारा उसमें वैल्यूज डाला, इथोस डाला, संस्कृति सिखाया और फिर व्यवस्था ऐसी कर दिया रिवर्स इंजीनियरिंग के द्वारा, चाह के भी नहीं ले सकता। मैं गारंटी के साथ कहता हूं करप्शन खत्म हो जाए घुसपैठ खत्म हो जाएगी, करप्शन खत्म हो जाए धर्मांतरण खत्म हो जाएगा। मेरी पीएल धर्मांतरण पे भी चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, 10-10 लोग हमारी पीआईएल का विरोध करने के लिए आए हुए। आप कल्पना करिए जिस दिन हमारा मैटर लगता है, एक तरफ मैं रहता हूं, एक तरफ 10 लोग खड़े हो जाते हैं, और जो 10 लोग खड़े होते हैं उसमें कोई भूतपूर्व वित्त मंत्री है, कोई गृह मंत्री है, कोई कानून मंत्री भी है। क्यों खड़े हो रहे? पैसा आ रहा। वन नेशन वन टैक्स लागू किया, फॉरेन फंडिंग खत्म हुई, फॉरेन फंडिंग खत्म हुई, कैश फ्लो खत्म हुआ, कैश फ्लो खत्म हुआ, वो विरोध करने नहीं आएंगे, क्योंकि हम तो फ्री में जाते हैं, वो पैसे के लिए आते हैं। एक कहावत है ना, आपको जंग जीतनी है तो दो तरीका है, हमारे पास अच्छे हथियार हो और दुश्मन की रसद काट दिया जाए, सप्लाई काट दिया जाए, यही सिस्टम है ना। आप दुश्मन का सपोर्ट सिस्टम काट दीजिए, उसकी जो फीडिंग हो रही है वो काट दीजिए। सभी देश विरोधी कार्यों की फंडिंग होती है, कुछ की एफसीआरए से होती है, कुछ की हवाला से होती है, अल्टीमेटली कैश में ही होती है, बैंक के थ्रू नहीं होती। माओवादियों की फंडिंग कैश में होती है, नक्सलियों की फंडिंग कैश में होती है, जिहादियों की फंडिंग कैश में होती है, धर्मांतरण कराने वाली मिशनरियों की फंडिंग कैश में होती है, जो कश्मीर में अलगाववादी है उनकी फंडिंग कैश में होती है, नॉर्थ ईस्ट के अलगाववादियों की फंडिंग कैश में होती है। अभी जो मणिपुर चल रहा है, मणिपुर में जो कुकीज है उनकी पूरी फंडिंग कैश में होती है। और एक बात और, जो हमारी संस्कृति के लिए बहुत बड़ा खतरा ड्रग बना हुआ है, मणिपुर में पैदा की हुई अफीम आपके बेंगलोर तक आ रही है, बेंगलोर से मतलब केवल बेंगलोर नहीं आ रही, पूरे भारत में घूम रही है। हमारी संस्कृति के लिए जो बहुत बड़ा खतरा ड्रग बना हुआ है, और भारत के संविधान का आर्टिकल 47 कहता है भारत को नशा मुक्त बनाओ, अनफॉर्चुनेटली उस पर संसद में कभी चर्चा ही नहीं होती, विधानसभा में चर्चा ही नहीं होती है। वन नेशन वन टैक्स लागू हो जाए ड्रग स्मगलिंग खत्म हो जाएगी, तो वन नेशन वन टैक्स से घूसखोरी खत्म होगी, वन नेशन वन टैक्स से जमाखोरी खत्म होगी, वन नेशन वन टैक्स से मिलावटखोरी खत्म होगी, वन नेशन वन टैक्स से कालाबाजारी खत्म होगी, वन नेशन वन टैक्स से आपकी सोना तस्करी खत्म होगी, वन नेशन वन टैक्स से किडनैपिंग बंद हो जाएगी। किडनैपिंग जो पैसा लिया जाता है वो कैश में लिया जाता है, बैंक में ट्रांजेक्शन नहीं कराया जाता। वन नेशन वन टैक्स से ह्यूमन ट्रैफिकिंग खत्म होगी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सारा जो धंधा कैश में चलता है। वन नेशन वन टैक्स से माओवाद खत्म होगा, वन नेशन वन टैक्स से नक्सलवाद खत्म होगा, वन नेशन वन टैक्स से धर्मांतरण खत्म होगा, वन नेशन वन टैक्स से जिहाद भी काफी हद तक कम हो जाएगा। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, वन नेशन वन टैक्स के बारे में जागरूकता फैलाइए, बहुत जरूरी है
भारत की संस्कृति के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे आने वाली जनरेशन के लिए एक बात कह के अपनी बात खत्म कर रहा हूं। आज के आपके फेवरेट नेता आज भी आपका घर बचाने नहीं आएंगे अगर आपके घर में आग लग जाएगी तो। न कश्मीर में कोई बचाने आया, न मणिपुर में कोई बचाने आया, न बंगाल में कोई बचाने आया, न केरल में कोई बचाने आया। लेकिन आज का बनाया हुआ अच्छा कानून 25 साल के बाद आपके बच्चों को बचाएगा, यह मैं गारंटी लेता हूं। भारत की 50% समस्याओं का रूट काज करप्शन है। वन नेशन वन टैक्स से करप्शन खत्म हो जाएगा, यह मैं गारंटी लेता हूं। 80% समस्याओं का रूट काज करप्शन और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। केवल दो काम किया जाए, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए कठोर कानून बना दिया जाए, वन नेशन वन टैक्स के जरिए करप्शन खत्म कर दिया जाए, भारत की 80% समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अब आपको लगता होगा कि जब ये लागू होगा तो लोग सड़क पे हंगामा करेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है उसके लिए हमें चाणक्य नीति अपनानी पड़ेगी या किसानों से सीखना पड़ेगा। किसान जब बीज बोते हैं तो सीधे सीधे खेत में बीज नहीं बोते, पहले जुताई करते हैं, गुड़ाई करते हैं, निराई करते हैं, खरपतवार की सफाई करते हैं, फिर भी खरपतवार बचता है तो पेस्टिसाइड डाल देते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। कोई फैक्ट्री बनाई जाती है तो क्या करते हैं, पहले लेवलिंग करते हैं, फाउंडेशन खोदते हैं, कूटते हैं, उसमें जमीन को मजबूत करते हैं, फिर उसके ऊपर फाउंडेशन बनाते हैं, ऐसे घर भी बनाया जाता। वन नेशन वन टैक्स लागू हो जाए, भारत के कम से कम 10,000 नेता और नौकर साथ भारत छोड़ के भाग जाएंगे, यह मैं गारंटी लेता हूं। वो कैसे छोड़ के भाग जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने ड्राइवर के नाम पे फार्म हाउस खरीदा हुआ है, अपने खाना बनाने वाले के नाम पे ला कॉलेज चला रहा है, अपने दूसरे नौकर के नाम पे फार्म को क्या बोलते हैं फ्लैट बंगलों बना हुआ है, अपने तीसरे नौकर के नाम पे जो है इंजीनियरिंग कॉलेज चला रहे हैं, चौथे नौकर के नाम पे मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं, एक नौकर के नाम पे जो है पेट्रोल पंप चल रही है, साली के नाम पे कुछ और चल रहा है, साले के नाम पे कुछ और चल रहा है, ससुर के नाम पे कुछ और चल रहा है, ऐसे बटा हुआ है। उनके नाम पे कुछ नहीं, क्योंकि उनको एफिडेविट फाइल करना है तो अपना 2-3-4 करोड़ दिखा देते हैं बस। आपके शिव कुमार जी ईमानदार हैं, 450 करोड़ दिखाते हैं, बाकी उनके पास कितना है भगवान जाने, आप लोग जानते जानते हो, 450 करोड़ दिखाते हो। अब वन नेशन वन टैक्स लागू करते ही, जैसे ही प्रॉपर्टी आधार से लिंक हुई और उसमें मेरी पीएल चल रही है, एक बात मैं बता दूं, मैं जो कुछ कहता हूं पब्लिक के बीच में बाद में कहता हूं, पहले अपने दिमाग में पकाता हूं, उसके बाद कोर्ट जाता हूं, कोर्ट जब उसको एक्सेप्ट कर लेता है, सरकार को नोटिस जारी कर देता है, तब मैं उस पर बोलता हूं। वन नेशन वन टैक्स हमारी पिटीशन एडमिट हो गई है, सरकार को नोटिस हो चुका है। वन नेशन वन एजुकेशन हमारी पिटीशन एडमिट हो चुकी है, सरकार को नोटिस हो चुका है। अब कुछ लोग पूछते हैं आपकी पिटीशन 150 हो गई तो इसमें हो क्या रहा है। आपको बता दूं कि पिछले 10 साल में लगभग 1,500 कानून खत्म हुए अंग्रेजों के, खत्म हुए ना। मैं पिछले 10 सालों से अंग्रेजी कानून जलाता हूं हर साल होली के दिन। मैं 1950 के पहले बने कानूनों को होली के दिन पहले, अभी तो काफी लोग मिल जाते हैं, पहले मैं अकेले अपने छत पे जला लेता था, जला के उसका वीडियो रिलीज कर देता था। मैं ये नहीं कह रहा हूं मेरे जलाने से प्रधानमंत्री जी ने 1500 कानून खत्म किए, लेकिन 1500 कानून खत्म हुए हैं, उन्होंने क्यों खत्म किया वो तुम वो जाने। मेरी पीआईएल के बाद लगभग 25 कानून बने हैं, कुछ बन गए हैं, कुछ का बिल इंट्रोड्यूस हो चुका है। जैसे भारत में लड़कियों की शादी की उम्र 9 साल भी है, पहले लोगों को नहीं पता था। मैंने जब 2018 में पीएल फाइल किया कि भारत में लड़कियों की शादी की उम्र 9 साल भी चल रही है, सरकार ने जब नोटिस इश्यू किया, कोर्ट ने नोटिस इश्यू किया, सरकार को जब नोटिस गया तब उनको लगा अच्छा 9 साल भी चल रही है, जानते हैं क्यों नहीं पता है, क्यों? अनपढ़ अनाड़ी जिन्होंने संविधान को कभी पढ़ा नहीं वो संसद विधानसभा में पहुंच रहे। और कितना दुर्भाग्य है, टीचर बनने के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, डॉक्टर बनने के लिए नीट है, इंजीनियर बनने के लिए जेई है,
अब पॉलिटिशियन बनने के लिए, अब ये बताओ वो ओथ लेते हैं मैं संविधान के अनुसार काम करूंगा, इसमें ओथ भी है, पांच लोगों की ओथ इसमें है, जज की, सांसद, विधायक, मंत्री की। अब जज अगर ओथ लेता है मैं संविधान, आई विल अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, आई विल एक्ट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, आई विल फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, तो जज तो ठीक है भाई, उसने वकालत किया फिर जज बना, उसको पता है। ये सांसद, विधायक, मंत्री जो ओथ लेते हैं कि मैं संविधान के अनुसार कार्य करूंगा, और उनको फंडामेंटल राइट क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, उनको क्या करना है उनको पता ही नहीं है, तो वो ओथ झूठी ओथ है कि नहीं? मैं कह रहा हूं मैं बेंगलोर को वर्ल्ड क्लास बना दूंगा, बेंगलोर मैंने देखा ही नहीं ये चल रहा है। मुझे लगता है समय आ गया है, जैसे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है ऐसे लेजिस्लेचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी होना चाहिए, एक एलईडी भी होना चाहिए, कम से कम प्राइमरी स्क्रीनिंग सिस्टम होना चाहिए। पढ़े लिखे लोग आए, पढ़े लिखे लोगों की कमी थोड़ी है, और संविधान बन रहा था उसमें चर्चा भी हुई थी, बाबा साहब अंबेडकर का खुद भी कहना था, अलादी कृष्णा अय्यर भी चाहते थे कि मिनिमम क्वालिफिकेशन मैक्सिमम एज लिमिट की जाए इसमें, लेकिन उस समय वो प्रस्ताव इसलिए रह गया क्योंकि बहुत सारे हमारे फ्रीडम फाइटर्स आठवीं के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ चुके थे, वो फ्रीडम स्ट्रगल में लग गए, उनकी पढ़ाई छूट गई थी, तो इसलिए मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं आया। दूसरा, मैक्सिमम एज लिमिट इसलिए नहीं आ पाया कि बहुत सारे लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी ना फ्रीडम स्ट्रगल में लगा दिया, तो कुछ लोग 70-75 साल के हो चुके थे, तो मैक्सिमम एज लिमिट भी नहीं आई। लेकिन उस समय संविधान सभा में कहा गया था कि आने वाले टाइम में पार्लियामेंट कानून बना के मिनिमम क्वालिफिकेशन मैक्सिमम एज लिमिट सेट करेगी, अनफॉर्चुनेटली हम उसको नहीं किया। अगर हमने मिनिमम क्वालिफिकेशन किया होता, एक स्क्रीनिंग क्राइटेरिया किया होता, हम कहते हैं और कुछ नहीं, कम से कम फंडामेंटल राइट डायरेक्टिव प्रिंसिपल पे टेस्ट लिया होता, पढ़े लिखे लोगों को भेजा होता, बड़ी अच्छी बात है। क्या है कि चूंकि अनपढ़ आ जाते हैं तो जो आईएएस ऑफिसर उनका बड़ा मजाक उड़ाते हैं, सामने सरसर सरसर करते रहते हैं, अब पीछे जाके मसले अनपढ़ आदमी है मौज में, सर उसकी मजाक उड़ाते हैं, सामने सरसर करते रहेंगे, अल्टीमेटली उनके जितने पीए वो सारे आईएएस हैं, मंत्रियों के पीए सारे आईएएस होते हैं, अब वो आईएएस क्वालिफाई करके आए होते हैं, अच्छे टैलेंटेड तो होते हैं, आईएएस क्वालिफाई करना आसान तो है नहीं, अब वो मंत्रियों को घुमाते भी रहते हैं, अब बाद में कहते हैं बेवकूफ है, अनाड़ी आदमी। वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन टैक्स कोड, ये दो चीज हो जाए भारत का बहुत कल्याण होगा। आप लोगों इतनी देर में सुना, मैंने समय से ज्यादा अपना समय ले लिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, और एचएसआर लेआउ मंथन ने जो कार्यक्रम किया उसके लिए धन्यवाद देता हूं। हमारे साथ दो पर से लगे हुए हैं साथ, एक बार खड़े हो जाइए जरा, इनके लिए धन्यवाद, सब लोग थैंक यू कर दीजिए, आपको धन्यवाद देता हूं। आशा करता हूं फिर मिलेंगे। वंदे मातरम, भारत माता की जय।